अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक। और जैसे कि आपको पता है कि हम आपको इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपडेट देते रहते हैं। सो आज एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे शेयर करते हैं यूट्यूब के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, उसकी मुकम्मल SEO और जिस तरह ऑफिशियल वे में चैनल क्रिएट करते हैं वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि आपने वीडियोज़ कहाँ से लेनी है, एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, थंबनेल SEO कैसे करनी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह सब कुछ आपको A to Z बताएंगे। तो आपने गौर से देखना है और एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपके पास पहुँच जाएँ। सो यहाँ पर आप हमारे चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं और लास्ट लेक्चर को कि YouTube चैनल अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, अगर बना लिया तो वेल एंड गुड। उससे पहले अगर आपने ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी स्टार्ट कर लें। यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करें और ये सारे लेक्चर वन बाय वन आप कंप्लीट करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। सो यहाँ पे हो सकते हैं कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हों, लेकिन एज़ यू नो कि हम आपको ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे एक फ्रेश बंदा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो आपने बोर नहीं होना है कि ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मोबाइल को भी कवर करूँगा कि मोबाइल पे कैसे करना है, और यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी कवर करूँगा। देखिए यूट्यूब चैनल रन करने के लिए ना आपके पास कुछ ऐप्स जो हैं इंस्टॉल होने चाहिए मोबाइल में और कंप्यूटर में। सबसे पहले मैं आपको वो ऐप्स बताता हूँ जो आपने चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं चाहे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके पास सिर्फ मोबाइल है या सिर्फ कंप्यूटर है। जिसके पास कंप्यूटर है उसके पास ऑब्वियसली मोबाइल ही होता है। सो जो ऐप्स मैं अभी बताऊंगा ये आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, ठीक है, कंप्यूटर में नहीं करनी, ठीक है। और चाहे आप कंप्यूटर पे यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपने मोबाइल पे इनको इंस्टॉल करना है, और आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करनी। मैं आपको ओल्ड वर्जन बता रहा हूँ क्योंकि जो नया वर्जन होते हैं ना वो मतलब उनमें साइन अप मांगते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं यूज़ करना, ठीक है। सबसे पहला जो वर्जन है ना यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ तो सबसे पहली जो चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है ये आपने गूगल से करनी है, ठीक है। फोर्टेक्स के नाम से इस किस्म का इंटरफेस होगा। मैं आपको इन सब का जो लिंक है ना ये एप्लीकेशंस का ये आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फोर्टेक्स वर्जन आपने ये इंस्टॉल करना है 1.0.4, ये आपने गूगल पर सर्च करना है फोर्टेक्स वर्जन 1.0.4, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। और ये वाला वर्जन जो है फोर्टेक्स का आपने इस तरह से गूगल पे सर्च करें तो ये देखें फोर्टेक्स वर्जन 1.0.4। इसका क्या काम होता है कि आपने जब थंबनेल बनाना है तो आप अच्छी जो है मतलब स्टाइलिश उर्दू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखें ये आपने गूगल पे सर्च करना है फोर्टेक्स 1.0.4, और ये इनमें से कहीं पे भी क्लिक करके आपने जो वर्जन है गूगल से इंस्टॉल कर लेना है। पहला हो गया ये आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो इसका काम मैंने आपको बता दिया कि आपने उर्दू जब थंबनेल के लिए लिखनी है तो यहाँ से यूज़ करना है। अभी जो नया वर्जन आ रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, साइन अप मांगता है, उसमें स्टाइलिश उर्दू जो हमें नीड है वो नहीं उसमें है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट वर्जन जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है वह है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट आपको पता है काफ़ी ओल्ड और प्रोफेशनल एप्लीकेशन है फ़ोटो एडिटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका ओल्ड वर्जन बता रहा हूँ। आपने ये भी गूगल से इंस्टॉल करनी है, आपने इसका जो है प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, गूगल पे सर्च करना है पिक्सआर्ट वर्जन 11.3.2, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल करनी है। मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डेस्टिनेशन लिंक के। आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड APK पे क्लिक करके आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। सो वर्जन आप याद कर लें पिक्सआर्ट वर्जन 11.3.2। इसका क्या काम होता है कि आप अपना जो थंबनेल है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन होगी, तीसरी एप्लीकेशन अगर आप वीडियो एडिटिंग मोबाइल पर करना चाहते हैं, अगर आपके पास सिस्टम या लैपटॉप है तो फिर मैं आपको वो सॉफ्टवेयर बताऊंगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल यूज़र्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ। इन शॉर्ट आप अगर आपके पास काइन मास्टर है, मुझे नहीं पता आपको काइन मास्टर आता होगा या कोई और एडिटिंग वर्जन है, लाजमी बात है आप टिकटॉकर तो हर बंदा आजकल है तो हो सकता है उसको वीडियो एडिटिंग का पता हो, लेकिन अगर आप जो है वो फ्रेश हैं तो फिर इन शॉर्ट का ये वर्जन आप गूगल पर लेके इन शॉर्ट
1.7 to 4.1318, ठीक है, ये वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इसका जो है आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये मोबाइल एडिटिंग जो वीडियो आपने एडिट करनी है ना मोबाइल के लिए, वो ये वर्जन है, क्योंकि अभी जो नया आ रहा है उसमें आपको वाटरमार्क भी मिलेगा और इस किस्म के उसमें अजीब से होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये वाला वर्जन आपने, वर्जन नेम आप याद कर लें, ये अपने गूगल से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मैंने आपको तीन एप्लीकेशंस बता दी जो आपने गूगल से इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। फोर्थ एप्लीकेशन यूट्यूब स्टूडियो, ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, जो आपके मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर है ना, जहाँ से आप गेम्स वगैरह कुछ इंस्टॉल करते हैं, वहाँ से आपने करनी है यूट्यूब स्टूडियो। ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है, गूगल से नहीं करनी है। इसका क्या काम होता है कि आप जो है अपने चैनल की प्रॉपर उसकी चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइबर, हर वीडियोस की व्यूज़ चेक कर सकते हैं, और लाइक कमेंट्स वगैरह, अर्निंग वगैरह सब कुछ आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है, एनालिटिक्स वगैरह। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो है यूट्यूब स्टूडियो, ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले आपको चैनल वो क्रिएट होना चाहिए, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने चैनल इस पर लॉग इन कर लेना है, ठीक है। ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं उनके लिए जो है ना लैपटॉप या सिस्टम यूज़र्स, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो फिर आप ये वाला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत इजी है, प्रोफेशनल इतना नहीं है लेकिन इजी टू यूज़ है बिगनर्स के लिए, क्योंकि हमने थंबनेल में भी आपको बताया था कि बिगनर्स जो बिल्कुल फ्रेश हैं उनके लिए हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। हो सकते हैं आप जो है उसको यूज़ करते हों, अडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हों, या कोई और फिल्मोरा यूज़ करते हों, OBS यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है लेकिन सिंपल है, अच्छा है। तो यहाँ पे आपने आइसक्रीम वीडियो एडिटर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये भी आपने ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करना है। वर्जन कौन सा? 1.2 वर्जन, ठीक है, ये वाला 1.2 वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, आइसक्रीम वीडियो एडिटर, ये मोबाइल के लिए नहीं है। अगर आपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपने इनशॉट इंस्टॉल करना है, अगर आपने कंप्यूटर पे करनी है तो ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ तक ये हो गया। अब बात करते हैं करनी कैसे है वीडियो एडिटिंग, ठीक है। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में टॉपिक्स बताए थे, होप सो कि आपने चैनल क्रिएट कर लिया होगा टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको वॉइस ओवर और जो है व्लॉगिंग का बताया था, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने व्लॉगिंग करनी है ना, कैमरे के सामने आना, तो फिर तो कोई एडिटिंग की ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं वो टॉपिक कवर करूँगा वॉइस ओवर से रिलेटेड, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने नहीं आता है तो वॉइस ओवर ही करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है। अच्छा, पहली बात यह है कि आपने बोलना क्या है, मतलब आपके पास टॉपिक किधर से होंगे, या मतलब आप क्या कहेंगे वीडियो में, क्या कहना है, ठीक है। अगर आपके पास सेल्फ टॉपिक्स हैं तो वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने किन टॉपिक को कवर करना है, मतलब वंडरिंग चीज़ों को, तो वो आपने किधर से इन्फॉर्मेशन लेनी है अथेंटिक, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो यह है कि आप यूट्यूब पे ना जो बड़े चैनल हैं उर्दू डॉक, अगर आप उर्दू लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो आप बड़े चैनल को टारगेट करें जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, या इस्लामिक। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि लाइम लाइट स्टूडियो है, ये एक इस्लामिक चैनल है लाइम लाइट के नाम से, ठीक है। तो आप इनको कॉपी कर लें, मतलब इनकी कंटेंट को कॉपी कर, कंटेंट नहीं कि वीडियो उठा के उधर उठा लें, जो वो बोल रहे हैं उसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये लाइम लाइट स्टूडियो काफ़ी बड़ा चैनल है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे और जो हैं वो जो डॉक्यूमेंट्री चैनल या वंडरिंग चैनल्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्री चैनल्स को भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उर्दू लैंग्वेज में करना है, सबसे जो मतलब इजी मेथड है, आप न्यूज़पेपर को यूज़ करें या सोशल मीडिया को यूज़ करें, अगर आपके पास वो हैं न्यूज़ यहाँ पे आती हैं। सो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है, एक न्यूज़पेपर है डेली आज न्यूज़पेपर, ठीक है। डेली आज न्यूज़पेपर पे आप आ गए हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको या गूगल पे आप सर्च कर लें डेली आज, ठीक है, और ई पेपर में आ जाएं। तो यहाँ पे कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लें, ये तो आज की है ना 17 अगस्त की, आप बैक डेट में कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो वंडरिंग चीज़ होती है, वो पुरानी नहीं होती है, ठीक है।
आपको टॉपिक कवर करने हैं। ओके सो यहाँ पे आप आ जाए, न्यूज़पेपर में आ गए, तो ये देखें फ्रंट पेज है ना, इस पर क्लिक करें और शोबिस पेज पे आ जाएं। शोबिस पे आ गए, यहाँ पे आपको आपकी सेलिब्रिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं और आप जो हैं वो टेक्नोलॉजी को भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब जो वंडरिंग ट्रेंडिंग में होंगी उनको आप टारगेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें, ये हमने शोबिस पेज सेलेक्ट नहीं किया, ये कुछ और ही सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे फीचर में शायद होगा, मोस्टली यहाँ पे शोबिस में ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि आप जो हैं वो आपको थंबनेल का भी थोड़ा सा हावना यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, हम कोई बैक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, बैक डेट में, जैसे कि हम यहाँ पे अगस्त का है तो आप बैक डेट में चले जाएँ, जुलाई में चले जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे न्यूज़पेपर अगस्त 6 अगस्त को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप शोबिस पेज पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो आपके सामने अगर इस किस्म से आए तो आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जुलाई के 7 जुलाई का यहाँ पे शोबिस पेज हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, आप कोई भी बैक डेट में चले जाएँ। सो यहाँ पे ये देखें, काफ़ी सारी आपके सामने इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ गई हैं शोबिस की भी और टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे ये देखें, यह टेस्ला ने अपनी गाड़ियों में न सिर्फ सोलर पैनल की झलक दिखा दी, कुरार्स पर तोतों की सबसे बड़ी कॉलोनी दरियाफ्त, ड्रोन के ज़रिए पहली मरतबा कैमोथेरेपी दवा की तरसील का मनसूबा, 5 वर्ष की मेहनत से घर की हर शय की तस्वीर उतारने वाले फोटोग्राफर, और इंसानी दिल का पहला तफसीली नक्शा तैयार, गाड़ियों के फर्श पर कारपेट लगाने की असल वजह जान लें। तो ये देखें, ये टेक्नोलॉजी या वंडरिंग टॉपिक हैं। ठीक है, शोबिस का आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें शोबिस की आ गई है। सो आपकी मर्ज़ी, आप किसको जो है वो टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए ड्रोन के ज़रिए पैर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने लार्ज इमेज आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखें कि अब आप इसमें बोलना कैसे है। अब पहले वीडियोस आपको मुश्किल लगेंगी, ठीक है, लेकिन जैसे कि ही आप इसको करेंगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, लंदन न्यू डेस्क, बरतानवी नेशनल सर्विस NHS ने दुनिया में पहली मरतबा कैमोथेरेपी की दवा को ड्रोन से मुंतकिल करने का ऐलान किया, ये वो। ठीक है, तो आपने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन बोरिंग ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मुझे तो आइडिया हो गया ना, मैंने तो 1500-1600 वीडियोस पे वॉइस ओवर की हुई है, उससे ज़्यादा काफ़ी सारे चैनल्स हैं, लेकिन आप भी जब एक ग्रिप पकड़ लेंगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने काफ़ी लोग होते हैं जब वो पहले इंट्रो देते हैं ना तो काफ़ी लंबा बोरिंग कर देते हैं, तो आपने बोरिंग इंट्रो नहीं करना है, स्टार्ट से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके चैनल का नाम है कुछ भी नाम है आपके चैनल का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपके चैनल का नाम है इन्फॉर्मेशन, आपने ऐसे स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, चाहे वो अपडेट है, न्यूज़ है, जो भी है। न्यूज़ ये है कि ड्रोन के ज़रिए पहली मरतबा कैमोथेरेपी दवा की तरसील का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। इसके हवाले से बरतानवी नेशनल सर्विस ने दुनिया में पहली मरतबा कैमोथेरेपी की दवा को ड्रोन से मुंतकिल करने का ऐलान किया है। इससे कैंसर के मरीजों को बर वक्त दवा की फ्राहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। सो इस तरह से आपने इसको स्टार्ट करना है और आपने अपनी पिच को अप्स एंड डाउन लाना है, आवाज़ को मतलब आपने ऊंचा नीचे करना है थोड़ी सी, ताकि ऑडियंस बोर ना हो। ठीक है, और ये लंदन न्यूज़ डेस्क जो है इसको आप छोड़ दें, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए, इतना भी कोई गया गुजरा नहीं होता है कि उसको कॉन्टेक्स्ट पता ना चले कि इस टॉपिक में, इस जो आर्टिकल है इसमें बोला क्या जा रहा है, मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को कवर करना है। सो जब आप यहाँ पे सारा कंप्लीट कर लें, ठीक है, पहले आपने अपनी जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, चाहे मोबाइल में करें या कंप्यूटर में करें, आपके पास क्लीन ऑडियो हो, कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो या इस तरह से। ठीक है, सो आपने जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। पहले आपको मुश्किल लगेगी, आपको नहीं बोलना आएगा, आप भूल जाएंगे क्या बोलना है। ये नहीं कि आप पहले इसको रट्टा लगाना शुरू कर लें, आप पहले इसको सामने ओपन करके रखें और फिर इसको बोलें। ठीक है, और आवाज़ में अप्स एंड डाउन लाएँ। ठीक है, और थोड़ी सी लाउड आवाज़ हो,
उसके बाद यहाँ पे जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो एंडिंग आपने अच्छी करनी है। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह आपने एंडिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो का आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से अपनी ऑडियो क्रिएट करनी है, टॉपिक का भी बता दिया, टॉपिक किधर से लेना है। और चाहे अगर आप इसको करना चाहते हैं ना, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लें। गूगल ट्रांसलेट से आपको ये होगा कि आप जो बोलते जाएंगे वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता चला जाएगा, और वही जो इंग्लिश कन्वर्टेड इंग्लिश होगी आप उसको बोलकर इसी टॉपिक को आप इंग्लिश में लेके जा सकते हैं। ओके, सो थंबनेल के लिए आप थंबनेल का यहाँ से आप ना इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये जो कितना खूबसूरत टेक्स्ट है ये यहाँ पे इसको क्रॉप करके ये जो हेडिंग है नीचे, ये जो एरोप्लेन है, ये जो भी है, इसकी फ़ोटो लगा लें। आपका बना बनाया अच्छा थंबनेल बगैर कॉपीराइट के थंबनेल बन गया, ठीक है। ये जो पिक्चर बनी हुई है, सो ये देखें ना, आप यहाँ पे इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करें और यहाँ पे बोलें कैसे हैं आप। मैंने यहाँ पे बोला, सॉरी ये तो इंग्लिश में बोलना था, उर्दू में बोलना था, कैसे हैं आप। इसने कहते लिख दिया। सो यहाँ पे देखें, इसने आपको उर्दू में लिख के दे दिया। अब यहाँ पे इसको आप इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको बोलकर इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जितना लंबा टेक्स्ट हो बोलते चले जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे आपने थंबनेल के लिए भी आपको यहीं से पिक्चर मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको थंबनेल का जो टेक्स्ट है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अब इसके हवाले से आपने विजुअल्स किधर से लेने हैं, फ़ोटोज़ वगैरह। अब एक ही पिक्चर तो वीडियो में नहीं लगानी है ना। अब आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे सर्च करना है, मतलब ड्रोन की पिक्चर्स, ठीक है, या ड्रोन की कॉपीराइट फ्री वीडियोस। कॉपीराइट फ्री वीडियोस आपको यहाँ से मिलेंगी, पिक्सल से, ठीक है। गूगल पे सर्च करें, ऐसे सर्च करना है पिक्सल्स, ठीक है, और एक पिक्सल सर्च करना है। और उसके बाद ये देखें, ये लिखें ना, और ये वाली जो वेबसाइट है pixels.com, ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। और दूसरा आपने लिखना है पिक्सा बे, ठीक है। ये भी आपने, ये आपको यहाँ से कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाएंगी। ये देखें, सॉरी, पिक्सा बे की स्पेलिंग इस तरह से है, जो आपने अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज़ करने हैं, HD वीडियोस, ठीक है। pixabay.com, इन दोनों को आप ओपन कर लें, ठीक है। ओके, सो ये सबसे पहले है पिक्सल्स, इसमें मैं लिखता हूँ ड्रोन, ऐसे देखें ड्रोन, ठीक है। और ये जो दूसरी कौन सी थी, दूसरी पिक्सा बे है, इधर भी मैं लिखता हूँ ड्रोन। ड्रोन वीडियोस को आपने ये देखें, ड्रोन फुटेज, ड्रोन फुटेज वीडियो, आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको इधर मिल जाएंगे इसके, मतलब फ़ोटोज़ मिलेंगे, आपने वीडियोस पे क्लिक करना है। हमें तो वीडियोस चाहिए ना। अगर आपने फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो फ़ोटो भी कर ले, मतलब 5 6 10 फ़ोटो इकट्ठे करके आप उनको एक वीडियो बना सकते हैं। वो मैं आपको भी बताता हूँ कि उनकी वीडियो वो अच्छा है, उससे बेहतर है आप फ़ोटोज़ इंस्टॉल कर लें। सो यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग, हमें सिर्फ ड्रोन फ्लाइंग की वीडियोस चाहिए, ठीक है, कि ड्रोन जो उड़ रहा हो उसमें। इधर भी हम लिख लेते हैं ड्रोन पिक्सा बे बेबी, ठीक है। ये फ्री है, इनमें से कोई आपको इसमें नहीं चाहिए होगा कि यहाँ पे, मतलब मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ड्रोन उड़ रहा है, इसके सामने डाउनलोड का बटन है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, HD वीडियो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वीडियोस, आपने शॉर्ट सी वीडियोस होती हैं विद इन सेकेंड्स की, तो उसके बाद ये देखें, ये ड्रोन उड़ा रहा है बंदा, और ये ड्रोन उड़ रहा है, ये तो सॉरी फ़ोटोज़ हैं। आपने वीडियोज़ पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर इमेज़ पर आए ना, तो ये वीडियोज़ पर आ जाना है। तो ये ड्रोन और इस किस्म से आप यहाँ पर इनके फ़ोटोज़ को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इनको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है वीडियोस को। सो यहाँ पे आपने अब जो है वीडियोस को, ये फ़ोटोज़ जो भी आपको चाहिए, 5 6 वीडियोस आपने इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें हैं, ठीक है, पिक्सा बे से और जो है पिक्सल से, या कहीं से भी आपके पास हैं, मतलब फ़ोटो गूगल से डाउनलोड कर लें, यहीं से कर लें, ठीक है। अच्छा, 4 या 5 या 6 वीडियोज़ आपने डाउनलोड कर लें। अब उनको एडिटिंग कैसे करना है, ठीक है। आप आ जाएँ आइसक्रीम वीडियो एडिटर पे, आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस आएगा। इंस्टॉल कर लिया आपने, इजी होता है इंस्टॉल करना, जस्ट थोड़ा सा आपने उसको देखना है जो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं इन शॉर्ट, तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस आएगा। इस किस्म से नहीं आएगा, लेकिन मोबाइल में आपने वो सारी 5 6 वीडियोज़ जो हैं उनको पिक कर लेना है। काइन मास्टर आप यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं, मैं आपको इसका बता रहा हूँ। आइसक्रीम का बहुत ईजी इंटरफेस है। सबसे पहले ये आपको ऊपर
ये वीडियो का आइकॉन है, ये फ़ोटो का आइकॉन है, या ऑडियो का आइकॉन है। आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ली, वॉइस को देखना है कि आपकी जो ऑडियो है वो कितने मिनट की है, ठीक है। मतलब उसमें 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने मिनट की वो ऑडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आएँ, अगर आपने वीडियो इंस्टॉल की हैं, ठीक है, तो वीडियोस पे क्लिक करें और आप अपने कंप्यूटर से आएँ। और मेरे पास कोई वीडियो पड़ी तो नहीं है, मैं ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वीडियोज़ हैं, एड्स हैं, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने उठा के रख दिया, दूसरा रख दिया, और उसके बाद तीसरा, और उसके बाद यहाँ पे 4 हो गए। आप यहाँ पे ये सारा भर सकते हैं, 1, 2, 3, मतलब 8 विजुअल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अगर फ़ोटोज़ हैं तो फ़ोटोज़ इसी तरह अपलोड करना है, फ़ोटोज़ पे क्लिक करें और फ़ोटो अपलोड कर लें, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख देने हैं। सो ऐसे है ना कि अगर आपकी वीडियोस ज़्यादा हैं और यहाँ पे अब देखें ऊपर 8 आते हैं, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 6 आएंगे, ठीक है। देखें अब यहाँ पे एक एक चीज़ करके आप नीचे ड्रैग करनी है, पहला और दूसरा, तीसरा, और फिर ये, और मतलब 2 और आप यहाँ पे मतलब रख सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इस तरह अब ये टाइमलाइन फुल हो गई है। आप यहाँ से 6 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बेहतर ये है कि अगर आपका टॉपिक इन 6 वीडियोस में या 6 फोटोज़ में कवर नहीं हो रहा है आपकी वॉइस, ठीक है, तो आप ऐसे करें कि पहले आप इनको सेव कर लें। मैं अभी आपको सेव करने का तरीका बताता हूँ, मतलब इनकी वीडियो बना के सेव कर लें, और फिर दोबारा से वो जो बाकी रहते हैं ना वीडियोस रहती हैं उनकी दोबारा से वो वीडियो बना के आप सेव कर लें। सो ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने फ़ोटो या वीडियोस डाउनलोड जो की थी वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी ड्यूरेशन देखनी है। एक एक फ़ोटो को या एक एक वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। पहली जो वीडियो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है, आप जनरल पे क्लिक करें, इसकी ब्राइटनेस तेज कर सकते हैं, कंट्रास्ट ये वो कर सकते हैं, हमें इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ड्यूरेशन, अब ये जो पहली है ना इसकी 7 सेकंड की ड्यूरेशन है, हम क्या चाहते हैं कि हम इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा कर लें, मतलब अपनी आवाज़ के हिसाब से हम 20 सेकंड, 1 मिनट तक कर लें, 60 सेकंड, जितना करना है। अगर सिर्फ हमने एक फ़ोटो की करनी, मतलब एक जो है स्टेप की करनी है पहले की, तो हम सिर्फ उसी को एडिट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सारियों की एक साथ हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो फ़ोटोज़ है ना इनकी हो जाए 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड इनकी ड्यूरेशन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 सेकंड यहाँ पे लेके अप्लाई टू ऑल, ये सारी 3 3 सेकंड की बन गई हैं, ठीक है। टोटल आपकी वीडियो की लेंथ ये हो जाएगी 18 सेकंड्स की, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि आपकी ऑडियो और वीडियो ये मैच करती हो, मतलब उतने ही सेकंड में। अगर नहीं करती तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ड्यूरेशन सेट कर ली। अब क्रॉप, क्रॉप अगर आपने कोई फ़ोटो क्रॉप करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट अगर आपने वीडियो के साइड पे या कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक, या आपने टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, मलिक। और अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना ये लोअर कॉर्नर पे शो हो, बिल्कुल एंड पे, इधर कॉर्नर पे। स्टाइल हमें चाहिए, इनमें से किस किस्म का टेक्स्ट आपको चाहिए, तो हमें चाहिए इनमें से, हमें कौन सा चाहिए, ये वाला, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि साइज, साइज इसका बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर दें, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें। स्पीड क्या है, स्पीड हम स्लो कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने यहाँ पे लिख दिया, अब हम करते हैं डन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पे शो भी होगा। अभी ये देखें इसके विजुअल्स भी शो हो रहे हैं, और टेक्स्ट का कलर हमने अभी लगाना था यहाँ पे। देखें अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, फिल्टर्स भी लगा सकते हैं ये ऐसे देखें, और या फिर ऐसे, या नो ऑब्जेक्ट, या फिर इस किस्म से, काफ़ी सारे इसमें हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये सारा करके इसको एडिटिंग करके अब आपने यहाँ पे जो है वो इसका आईडी अपलोड करनी है। ये आईडी पे क्लिक करें
और हमारे पास ऐसी कोई आईडियो पड़ी है, तो आपने अपनी आईडी करनी है, अपनी आईडियो इसमें अपलोड करनी है। आईडी को उठाकर पहले इधर टाइमलाइन पे रखें और इधर रखें, ठीक है। अब देखें हमारी वीडियो तो है 18 सेकेंड्स की, ठीक है, और हमारी आईडियो है 5 मिनट 48 सेकेंड्स की। तो अब हमने क्या करना है कि हम ये आईडियो है ना, ये हमने इधर रख ली, नहीं उठा के नीचे रख ली, इस पे हम क्लिक करेंगे और लूप दिस आईडियो पे क्लिक करेंगे। तो मतलब जितनी मिनट की या जितनी ड्यूरेशन की वीडियो होगी इतनी ही ड्यूरेशन की आईडियो होगी, ठीक है। सो मतलब ये कंप्लीट उधर फैल जाएगी। उसके बाद आईडियो को आप एडिट करना चाहते हैं, आईडियो को एडिट कर लें तो अच्छा, आईडियो पे क्लिक करें और ये आईडियो पे क्लिक करें, इधर इसकी आवाज़ लाउड करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं कर लें, और फेड इन को छोड़ दें। इफेक्ट्स पे आएँ तो इसमें इको करना चाहते हैं करना चाहते हैं, नो इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नो इफेक्ट कर लें और डन कर दें, ठीक है। ये आपकी बन गई। मेक श्योर कि आपके यहाँ पे जो ऊपर साइज़ है ना वीडियो का, वो 16:9 या फिर 16:9 आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे वीडियो का साइज़ 9:16 या 4:3 या 3:4 इस किस्म से नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16:9 आपका साइज़ होना चाहिए। ये आपकी ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है। अगर आपकी यहाँ पे विजुअल्स कंप्लीट हो गए हैं और आपकी आइडियो कंप्लीट नहीं हुई, तो आइडियो फ़िलहाल अपलोड मत करें, इस वीडियो को आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव ऐसे एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करें और इसको सेव करके दोबारा वो जो वीडियो सेव करेंगे आप, वही इधर उठा के और फिर नए विजुअल्स लगा के आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप यहाँ पे सारे ऐसी है इसको छोड़ दें। अच्छा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, ये यहाँ पे ऐसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और आपके जो भी डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। वीडियो आपकी बन गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है ये थंबनेल का ऑप्शन रह गया, थंबनेल का आपने ये करना है कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपने ये वाला ऊपर से क्रॉप करके फ़ोटो लगा के या गूगल से कोई फ़ोटो अच्छा सब HD कलर का फ़ोटो इंस्टॉल करके आपने थंबनेल बनाना है, या फिर आप कुछ और उर्दू में लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको फोटेक्स का कहा है, उर्दू टेक्स्ट का थंबनेल आपको उधर डिज़ाइन करना है, क्या कहते हैं उसको, पिक्स आर्ट में, ठीक है, वहाँ पे। सो आपको मैं एक थंबनेल का ब्लैंक साइज, सादा साइज़ प्रोवाइड करूँगा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, उस साइज़ के ना ऊपर जाना है ना नीचे, ना दाएँ ना बाएँ, आपने उसी साइज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। वो ब्लैंक साइज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आपने वो पक्का पक्का अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जो साइज़ होगा उस साइज़ को आप पिक्स आर्ट में लेकर, वो जो सादा ब्लैंक साइज़ होगा पिक्स आर्ट पे लेकर उसको ऊपर ये डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। सो थंबनेल भी बन गया। अब बात करते हैं कि वीडियो आपने अपलोड कैसे करनी है। सो आपने वीडियो ऐसे अपलोड करनी है कि आपने आ जाना है यहाँ पे अपने चैनल पे, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आपने गूगल पे लिखना है, गूगल क्रोम पे ये लिखना है, ठीक है, studio.youtube.com, ठीक है, ये आपने गूगल क्रोम पे लिखना है अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं PC पे तो फिर आप अपने चैनल पे आ जाएं, और आपने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आप YouTube स्टूडियो पे आएं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे, और जब आप मोबाइल पे भी करेंगे तो भी आप इसी तरह पे चले जाएंगे, ठीक है। गूगल क्रोम पे लिखना है क्योंकि आपको ऑफिशियल SEO करने, जो बेसिक ऐप होती है ना उसकी YouTube की, उधर आप इतना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, टैग्स वगैरह, कीवर्ड्स रिसर्च वगैरह, और इस किस्म से जो है आप उधर नहीं कर सकते हैं। सो हमें तो एडिटिंग उसके कीवर्ड्स चाहिए, टाइटल वगैरह ये वो, तो हम जो है वो पहले डैशबोर्ड में अपना टाइटल जनरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कैसे हमने करना है। चैनल आपने क्रिएट कर लिया होगा, उसकी SEO वगैरह कर ली होगी, नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लें, वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपने उनको लाजमी चेकआउट करना है, उसके बगैर आपने इंस्टॉल नहीं करना है। सो वीडियो एडिटिंग का मैंने आपको बता दिया कि वीडियो एडिटिंग जो है आप आइसक्रीम को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको कोई और पता है तो वो यूज़ कर लें, या फिर आपके माइंड में जो भी है। सो यहाँ पे आप आ गए। अब आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, एनालिटिक्स का, ये देखें, ये एनालिटिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आएँ, एनालिटिक्स पे क्लिक करके अब आपने सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो ये है ना आपका टाइटल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये टाइटल है, अब आपने उर्दू में तो टाइटल नहीं लिखना है ना वीडियो का, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें,
गूगल ट्रांसलेट पे ये बोलें ड्रोन के ज़रिए पहली मरतबा कीमोथेरेपी दवा की तरसील का मनसूबा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। तो आपका टाइटल बन गया। सो आप एनालिटिक्स में आ गए, रिसर्च पे आए, ठीक है। रिसर्च में आया, सर्च अक्रॉस यूट्यूब, ये आपके सामने ओपन होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रोन, ड्रोन लिख के ना, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। इधर आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ये देखें, हाई सर्च वॉल्यूम, हाई यूट्यूब पे इसका बहुत हाई वॉल्यूम है। ड्रोन कैमरा, FPV ड्रोन, ड्रोन रेसिंग और हाउ टू मेक ड्रोन, ये कीवर्ड्स आपको बता रहे हो जो आपने वीडियो के नीचे टैग्स देने हैं, ठीक है। इस तरह अपना टॉपिक सर्च करें, मतलब कोई भी आपका ड्रोन से रिलेटेड है या कोई और फैशन से रिलेटेड है ऐसे, ठीक है। तो फैशन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। या किसी सेलिब्रिटी को आप टारगेट कर रहे हैं ना, मतलब फैशन हाई है और टीचिंग मैंस फैशन, ये भी सारे हाई हैं। किसी सेलिब्रिटी को टारगेट कर लें तो उस सेलिब्रिटी का नाम लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब पे उस सेलिब्रिटी को या उस टॉपिक को लोग कैसे पूरी दुनिया में सर्च करते हैं। इन सब को आपने ये देखें, फैशन को कॉपी करके आप एक जगह रख लें, वर्ड पैड में रख लें, ठीक है, या जो भी आपके यहाँ पे लिख लें ताकि आपको पता चले, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड वीडियो क्लिक करना है यहाँ पे। अब आपने वीडियो अपलोड करने, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करें। अब आपके पास वो जो एडिट एडिट वीडियो होगी, वो जहाँ भी पड़ी है वो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ये पड़ी है, हम इसको सेलेक्ट करके ये देखें इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। यहाँ पे टाइटल ये है कि हाउ टू मेक ड्रोन ऐसे, मतलब हमारा यही था ऑलमोस्ट जो भी हमने लिखना है। आपने ट्रांसलेट करके वो लिख लेना है, ठीक है। हाउ टू मेक ड्रोन, इस तरह से आपने लिख लिया। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि इन दिस वीडियो वी विल टेल यू, इन दिस वीडियो वी विल, इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन में देना है कि हम आपको ये उर्दू में लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। एक या दो लाइन की डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद आपने अपनी कोई प्रीवियस वीडियो है तो उसके लिंक दे देना, नहीं तो आपने लिखना है फॉलो आसान इंस्टाग्राम अगर आपका है, फॉलो लाइक आवर फेसबुक पेज, ये आपने दे देना है सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन, और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि आपने फेसबुक पेज जिस नाम से आपका चैनल है उसी नाम से क्रिएट कर लेना है। जो वीडियो आप यूट्यूब पे डालें उसको फेसबुक पेज पे भी अपलोड करें। जैसे कि आपको पता है ना कि फेसबुक की भी मोनेटाइजेशन ऑन है पाकिस्तान में और अच्छे खासे पैसे देती है, वही वीडियो आपने जो बनाई होगी वो उधर भी डाल दें, ठीक है। सो आपने डिस्क्रिप्शन में दे देना है। डिस्क्रिप्शन जब सारी आप लिख लें तो बिल्कुल एंड पे इधर आना है, इधर आपने तीन टैग्स देने हैं, वो ही आपने वीडियो से रिलेटेड, हैश लगा के और स्मॉल वर्ड्स में, ठीक है। हैश पहले लगाना है, हैश टैग जिसे कहते हैं, ड्रोन वीडियो इस तरह से, फिर स्पेस देना है, एक टैग मुकम्मल हो जाए स्पेस देना है, फिर उसके बाद कैमोथेरेपी का लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब आपने अब जैसे कि है ना ड्रोन वीडियो, ऐसे नहीं ड्रोन और फिर उसके बाद स्पेस दें और फिर वीडियो, ऐसे नहीं, स्मॉल वर्ड में लिखना है और इकट्ठा लिखना है, स्पेस नहीं देनी है, एक कीवर्ड के बाद फिर स्पेस देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे। तीन सिर्फ टैग्स यहाँ पे देने हैं, तीन दे दें या दो या एक, लेकिन एक लाजमी देना है। ये हो गया। उसके बाद थंबनेल, आपने जो थंबनेल बनाया वो यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक करें, ठीक है। अपलोड थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी थंबनेल होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर नीचे आए, और अगर आपका चैनल है बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, तो आपका यहाँ पे ऑटो ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका है मतलब इस वीडियो में बच्चे शो हो रहे हैं तो आपने यस करना है, नहीं शो हो रहे तो आपने करना है नो, इट नॉट मेड्स फॉर किड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ऑटो सेलेक्ट किया होगा नॉट, इट नॉट मेड्स फॉर किड्स जब चैनल बनाया था, तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये छोड़ दें। आपकी मुझे उम्मीद है आपकी कोई इस किस्म से रिस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं होगी। पेड प्रमोशन को छोड़ दें, ये सारा छोड़ दें, ठीक है। अब आ जाएं टैग्स पे। ये टैग्स हैं, कुछ टैग्स आपके ऑलरेडी शो होंगे जो आपने चैनल बनाते वक्त किए थे, लेकिन कुछ आपने अभी यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड लगाने हैं। कौन से? जो हमने अभी आपको यहाँ पे बताए थे ये रिसर्च में, ठीक है, जो हमने वर्ड पैड पे इधर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये वाले जैसे कि फैशन हमने ढूंढ के निकाले थे कीवर्ड्स, वो आपने इधर लिखने हैं फैशन, और फिर इंटर प्रेस करना है ड्रॉन, और फिर आपने इंटर प्रेस करना है। इस तरह से जितने मर्जी यहाँ पे कीवर्ड दे दें, इसका कोई इशू नहीं, टैग्स लगा लें, ठीक है। हो गया।
अब यहाँ पे अगर आपकी वीडियो में कॉपीराइट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि म्यूज़िक का कॉपीराइट है या विजुअल का कॉपीराइट है, जो भी वो आ जाएगा। नो इश्यू फाउंड का मतलब ये है कि आपकी वीडियो में कोई इश्यू नहीं, आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, वीडियो अपलोड होगी। अब आ जाए वीडियो एलिमेंट्स पे। ये आप यहाँ पे ये होता है कि फिलहाल तो आपकी पहली वीडियो होगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आपको कोई कुछ भी नहीं करना। लेकिन दूसरी वीडियो जब होगी तो आप पहली वीडियो का लिंक वीडियो में लगा सकते हैं। ऐड कार्ड्स पे आएँ, ठीक है, ऐड कार्ड्स पे आपकी जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक आप लगा सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करें और उसके बाद जो है ये वाली वीडियो हम लगाना चाहते हैं, तो हमने वीडियो हमने स्टैक कर ली। ऊपर नोटिफिकेशन, कभी आपने वीडियो देखी हो यूट्यूब की तो ऊपर इस तरह से पॉपअप आता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो पॉपअप है ये शो हो। मतलब ये देखें ऊपर टाइमिंग 28 सेकेंड या 1 मिनट के बाद हम चाहते हैं कि इधर शो हो। शो हो गया, अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब विजिबिलिटी पे आए, विजिबिलिटी पे क्लिक किया। अगर आप पब्लिक डायरेक्ट पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक पे क्लिक करें और पब्लिश कर दें, आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी, मतलब ऑडियंस के सामने चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे पब्लिश नहीं करनी, प्राइवेट कर लें, तो प्राइवेट कर लें। अगर आप दिन में 2-3 वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस बना लें, उनको प्राइवेट कर लें, फिर रोज़ एक एक या दो दो वीडियो उनको पब्लिक करते जाएं, ठीक है। आप प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट करके सेव कर लें, आपकी वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट करके सेव कर लें, सेव करेंगे तो ये किसी को नहीं दिखेगी जब तक आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो पब्लिक करने के लिए आप दोबारा आएंगे इधर कंटेंट में, और ये देखें प्राइवेट में आप इसको पब्लिक करके सेव करेंगे तो ये ऑडियंस के सामने चली जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो आप इसको पब्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ जो मिस हो गई है, मिस ये हो गया कि अगर आप अपनी वीडियो में तो हल्का हल्का सा म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, ठीक है, सो वो कैसे करना है? आपने गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब आइडियो लाइब्रेरी। इस तरह से आपने गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब आइडियो लाइब्रेरी, और आना है थोड़े से नीचे और थोड़े से नीचे, और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा आइडियो लाइब्रेरी फॉर कंटेंट क्रिएटर। इसको ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो चैनल आ गया है, इसको हमने नहीं करना है। हमने जो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी है ना, इसकी YouTube स्टूडियो की, वो हमने यहाँ पे लिखना है YouTube स्टूडियो ऑडियो लाइब्रेरी। सो आपने वो वाली जो है ना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऑडियो लाइब्रेरी का, तो आपने जो है वो जो वो होगी आईडी लाइब्रेरी, वहाँ से म्यूज़िक इंस्टॉल करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप जो है वो अपने यूट्यूब की स्टूडियो में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में आ गए। यहाँ पे थोड़े से नीचे आएंगे तो ये देखें आईडी लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद अब आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले अपना टॉपिक देखना है, आपका टॉपिक सैड है, एनर्जेटिक है, मोटिवेशनल है, जो भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसको कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मूड को सिलेक्ट करें, मतलब आपके जो होगा, मतलब एंग्री होगा, ब्राइट, कॉम, डार्क, ड्रामेटिक, हैप्पी, इंस्पायरेशनल, रोमांटिक, सैड, मतलब जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इंस्पायरेशनल करना है, मैंने इसको क्लिक किया और अप्लाई कर लिया, पहली बात होगी। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे म्यूज़िक आ गए हैं, ठीक है। अब हम दोबारा इस डैश, ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, इधर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने क्लिक किया, अब हमने इसमें सेलेक्ट करना है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये कर लिया। अब हम जितने भी यहाँ पे म्यूज़िक आएंगे वो कॉपीराइट फ्री और आपके टॉपिक से रेलेवेंट आएंगे। आप यहाँ पे ये प्ले का बटन है ना, ये आप सुन सकते हैं इनको, अगर आपको अच्छा लगता है। सुनने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो के सामने, वीडियो के बैकग्राउंड में हल्का सा वो टच दें, मतलब आइडियो का, म्यूज़िक का। सो आपकी वीडियो पहले बन चुकी थी, मैंने आपको बनाना आइसक्रीम पे सिखा दी, ठीक है। अब वही वीडियो जिसमें आपकी वॉइस ओवर कंप्लीट है, आपने आवाज़ भी दे दी है और सब कुछ दे दिया, अब आप चाहते हैं कि उसके पीछे हल्का सा आपका म्यूज़िक हो, तो आपने वो वीडियो उठानी है, ठीक है, जो आपकी जनरेटेड वीडियो है, जो बनी हुई है, वो उठा के आपने आइसक्रीम पे यहाँ पे इधर डैशबोर्ड में आपने डाल देनी है। यहाँ से उठाया, इधर डाल दिया, ठीक है। ये अब इसको इम्पोर्ट कर, अब आपने वो इधर कर देना है, उठा के जो वीडियो है इधर रख देनी है।
अब वो ऑडियो जो हम चाहते हैं इसके पीछे लगाना, ऑडियो पे क्लिक करें और हम जाते हैं अपनी ऑडियो की तरफ। ये हमने उठा के इधर रख दी, ठीक है। ये अब मेक श्योर कि ऐसा ना हो आपकी ओरिजिनल वॉइस जो है वो इसमें मतलब लो हो और म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा हो। पहले आपने वीडियो उठा ऑडियो उठा के इसके नीचे रखनी है। अब इस ऑडियो पे क्लिक करके लूप दिस ऑडियो करना है। जितनी ऑडियो जितनी वीडियो होगी इतनी ही ऑडियो चलेगी। ऑडियो उठा ली, अब हमने क्या करना है कि ऑडियो पे क्लिक किया और वॉल्यूम वॉल्यूम को आपने बिल्कुल हल्का कर लेना है और इधर प्ले करके सुनना है कि आपकी आवाज़ ऊंची है या म्यूज़िक ऊंचा है। ऐसा ना आपकी ओरिजिनल वॉइस लो हो और म्यूज़िक बहुत हैवी हो। बिल्कुल हल्का सा टच देना है, बहुत नॉर्मल सा। सो आपने बिल्कुल जितना कम कर सकते हैं कम करें, बस थोड़ा सा उसमें आपको बस पता चले कि पीछे म्यूज़िक भी लगा हुआ है। सो आपने उसको टच दे देना, डन कर दें। आपके यहाँ पे म्यूज़िक लग गया। आप दोबारा एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर क्लिक करके सेव कर लें। आपकी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अपलोड करनी है। वही वीडियो जो आप डिज़ाइन करेंगे वही आपने डाल देनी है, उधर फेसबुक पे भी डाल देनी है, सही कीवर्ड्स के साथ सब कुछ। सो होप सो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। सो इसको यहीं पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। इसको टॉपिक को जो है इसका यूट्यूब का, आप जो टॉपिक्स हैं ना इंग्लिश से रिलेटेड वो गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट न्यूज़ साइट्स को यूज़ कर सकते हैं, इस्लामिक साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिक चीज़ थी आपको समझाना कि आपने काम कैसे करना है। आप मेहनत आपने करनी है, कंटेंट कहाँ से लेना है, कैसे बोलना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको पहले मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। हमने भी जब स्टार्ट किया था मुश्किल था, लेकिन बाद में आप देखेंगे आपके सामने मैं 50 मिनट तक बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको मुश्किल लगेगा, बाद में आप जो है वो ऐसे ट्रेन होंगे। ये जो वोकलिस्ट होते हैं, जो वॉइस ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है और जैसे बोलना है कहाँ से कौन, बेशक आप इधर से नहीं लेना चाहते हैं तो आप जहाँ से मर्जी कॉन्टेंट लें, मकसद होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपने अगर जो है ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर लें, ताकि जो है वो आप वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको पहले भी बताता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि वो वीडियो कब आएगी, वीडियो कब की गुजर चुकी होती है आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।